नमस्कार दोस्तों, जिया किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी रेसिपी है मेथी दाना और तुअर की दाल। दोस्तों ये सब्जी बहुत ही टेस्टी टेस्टी बनती है और सर्दियों में शरीर को गर्म रखती है। खास करके जिन्हें अर्थराइटिस या गठिया की शिकायत है उन लोग के लिए सब्जी बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों हमारा वीडियो अंत तक देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियो आपके तक पहुँचते रहे। चलो हम रेसिपी की शुरुआत करते हैं। दाल, मेथी दाना, हरी मिर्च, दो प्याज, लहसुन की कलियां, अदरक का टुकड़ा, टमाटर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, राई और नमक। तुअर दाल और मेथी दाना को हम एक प्लेट में लेंगे, साफ़ कर लेंगे और एक ऐसी छोटी सी गंजी लेंगे या कोई सा पात्र लेंगे, उसमें हम दोनों को मिला लें और उनको अच्छे से धो लें ताकि इसमें जो दालों में किसी प्रकार का जो पाउडर वगैरह रहता है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और ये देखो इस तरीके से दाल धुल जाएगी और इसको दो चार मिनट ऐसे छोड़ दें। इसके बाद में आप क्या करें कि इनको एक कुकर में या गंजे में भी पका सकते हैं, हम तो इस कुकर में पका रहे हैं। ये कुकर में हमने इसको डाल दिया है और पर्याप्त पानी डालें ताकि बाद में पानी डालने की आवश्यकता ना पड़े और कुकर में इसको रख दें और ये दो तीन सीटी ले लें या चार लें। अब दो तीन सीटी आ चुकी है, अब हम चेक करके देखते हैं कि हमारी दाल मेथी पकी है कि नहीं पकी है। अच्छी तरह से पक चुकी है, अब हम इसको साइड में रख देंगे और कढ़ाई में एक से डेढ़ चम्मच तेल ले लेंगे। तेल कोई सा भी ले सकते हैं आप, सरसों का भी ले सकते हैं, कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे राई जीरा, तड़का अच्छे से लगा देंगे और फ्लेम थोड़ी कम कर देंगे। और इसके बाद हमने इसमें डालने हैं प्याज जो हमने काट के रख लिए थे, और प्याज को सबसे पहले ही डालना चाहिए। अब हम इनको प्याज को थोड़ी देर इस तरीके से हल्के हल्के भून लेंगे, थोड़े हल्के नरम होने लग जाएंगे। इसके बाद में फिर हम इनमें डालेंगे लहसुन अदरक। अब दोस्तों हम इनमें लहसुन अदरक हरी मिर्च जो भी हमने बारीक काट के रखे हैं इसको इसमें मिला देंगे और इनको अच्छे से हम भून लेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारे लहसुन अदरक अच्छी तरह से भून गए हैं और हम क्या करेंगे कि इसमें ये मसाला डालेंगे जो हल्दी मिर्च धनिया का जो पेस्ट हमने गरम मसाले का बना के रखा है उसमें मिला देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छा भून जाएगा तो मसाला तेल खुद को छोड़ देगा। देखो मसाले का तेल छोड़ दिया है इस देख लीजिए। और अब हम क्या करेंगे इसमें टमाटर डाल देंगे, बारीक कटा हुआ टमाटर हमने इसमें डाल दिया है और इसको भी हम पकाएंगे। टमाटर पकने में ज़्यादा समय नहीं लेता है और ये जैसे ही पक जाएगा टमाटर फिर हम देखिए हमारा टमाटर पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद हमने जो दाल ठंडी हो गई थी हमने उसको एक गंजी में निकाल के रखी है, अब हम उसको इसमें डाल देंगे। दाल डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लें। ये हमारी दाल और मेथी अच्छे से मसाले में मिक्स हो गई है, ये सब्जी बनके तैयार हो गई है, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।